नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द यानी मल्टीपल जॉइंट पेन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पॉलीआर्थ्रैल्जिया। तो अगर आपको भी जोड़ों का दर्द है, आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उस दर्द से निजात चाहते हैं, उस परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, होम्योपैथी की सहायता चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये पॉलीआर्थ्रैल्जिया क्या होता है। देखो, पॉलीआर्थ्रैल्जिया एक बहुत जनरलाइज्ड टर्म है। इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल जॉइंट्स में स्वेलिंग, मल्टीपल जॉइंट्स में दर्द। तो जब किसी भी मरीज के सिर्फ एक नहीं, अलग अलग जोड़ों में दर्द हो, तो हम उस जो कंडीशन है उसको जनरलाइज वे में बोलते हैं पॉलीआर्थ्रैल्जिया। अब इस पॉलीआर्थ्रैल्जिया के लक्षण क्या होते हैं भाई? देखिए, जब भी किसी मरीज को पॉलीआर्थ्रैल्जिया एक डॉक्टर डायग्नोज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? दर्द, उसके बाद होगी टेंडरनेस यानी छूने में दर्द। एक तो दर्द महसूस हो रहा है और दूसरा मरीज छूने नहीं दे रहा, क्योंकि छूने पे भी पेशेंट को पेन हो रहा है। तीसरी हो गई यहाँ पे स्वेलिंग यानी सूजन, उस जॉइंट बिल्कुल सूजा हुआ होगा, लाल होगा, उसे छू के देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा। फिर हो जाएगी स्टिफनेस यानी मरीज को उस जोड़ को मूव करने में कहीं ना कहीं तकलीफ होने लग जाएगी, और स्टिफनेस के साथ में वहाँ पर जो उस जोड़ का रेंज ऑफ मोशन है, सपोज मेरा जो हाथ है, अगर इसका रेंज ऑफ मोशन ये है, उंगलियाँ हैं इसका रेंज ऑफ मोशन ये है, जो हमारी कोहनी है इसका रेंज ऑफ मोशन ये है, तो वो रेंज ऑफ मोशन मरीज का कम हो जाएगा। तो अगर ये सारी कंडीशन हो रही है और उसके साथ में कहीं ना कहीं मरीज को थकान महसूस हो रही है, तो ये मान के चलिए जो पेशेंट है उसको हो रहा है पॉलीआर्थ्रैल्जिया। तो अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपकी डायग्नोसिस क्लियर कट हो गई पॉलीआर्थ्रैल्जिया। अब देखिए भाई, ध्यान से समझिए कि पॉलीआर्थ्रैल्जिया के क्या क्या कारण हैं, क्योंकि जब आप इसे समझेंगे ना, तो आप सॉल्यूशन और दवाई के बारे में भी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। भाई पॉलीआर्थ्रैल्जिया क्यों हो सकता है? सपोज कोई मरीज गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के चोट लग गई, कोई बारिश में भीगा, उसकी बाइक स्लिप हो गई तब चोट लगी, कोई सीढ़ी से फिसल गया तो चोट लग गई, कोई बाथरूम में नहाते समय गिर गया तो चोट लग गई, ठीक है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो चोट लग गई, यानी इंजरीज, चोट लगने के बाद अगर उसके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्टेड है, तो ये भी पॉलीआर्थ्रैल्जिया हो सकता है। दूसरा, अगर सपोज मरीज को इन्फेक्शन हुआ, यानी किसी को डेंगू हो गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया, किसी को टाइफॉइड हो गया, कुछ नहीं तो केवल प्लेन वायरल फीवर ही हो गया, और उसके बाद मरीज को अगर यहाँ पर जो है मल्टीपल जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको पॉलीआर्थ्रैल्जिया हो सकता है, जो कि चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके बाद क्या कारण हो सकते हैं भाई? अगर आप आर्थराइटिस पे पहुंचेंगे, तो आर्थराइटिस अलग अलग तरह के, सपोज मरीज के शरीर में जो है बोन्स में ऑस्टियोपीनिया हो रहा है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, यानी कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करेगा उसकी वजह से अलग अलग जोड़ों में दर्द है, तो उसे भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस विद पॉलीआर्थ्रैल्जिया बोलेंगे। इसी तरह से अगर किसी मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसके मल्टीपल जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है, सिर्फ एक जॉइंट में नहीं है, यानी केवल उंगलियों में नहीं है, केवल यहाँ पर रिस्ट में नहीं है, केवल घुटने में नहीं है, तो यानी मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्टेड है, तो हाँ हम बोलेंगे पॉलीआर्थ्रैल्जिया किसकी वजह से हुआ? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। इसके अलावा क्या हो सकता है कि सपोज करिए जो पेशेंट है उसको ओवर यूज ऑफ जॉइंट, यानी बहुत मेहनत कर रहा था, कोई भाई लेबर क्लास है, मजदूर है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, शरीर से बहुत काम करता है, कोई गांव वाला है, कोई हमारा किसान है, कोई आर्मी वाला व्यक्ति है, यानी कुछ ऐसे नेचर ऑफ वर्क में जुड़ा हुआ है जहाँ पे उसे शारीरिक मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, तो कभी कभी ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स की वजह से भी मरीज को पॉलीआर्थ्रैल्जिया हो सकता है। लास्टली, फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से होने वाला पॉलीआर्थ्रैल्जिया तो कई बार मरीजों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अब देखो, फाइब्रोमाइल्जिया भी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम एज डॉक्टर्स बोल देते हैं, हो सकता है मानसिक कारणों की वजह से मरीज को अपने शारीरिक जोड़ों के दर्द की पीड़ा ज्यादा महसूस हो रही हो, या उसको दर्द नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी वो दर्द दर्द चिल्ला रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी मानसिक कारणों की वजह से, किसी टेंशन, किसी स्ट्रेस की वजह से उसको पॉलीआर्थ्रैल्जिया
हो रहा हो। तो देखिए ये सारे कारण हो सकते हैं पॉलीआर्थ्रेल्जिया के। इससे पहले कि हम दवाइयों के ऊपर चर्चा करें, सॉल्यूशन पे बात करें, हम आपको दिखाना चाहते हैं एक पेशेंट का वीडियो। देखिए ये मरीज कितना परेशान था, ये कितने समय से पॉलीआर्थ्रेल्जिया से पीड़ित था, लेकिन इसको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और सिर्फ ढंग से मरीज की बात सुन के, ढंग से डायग्नोसिस करके, कारण जानकर दवाई देने पर देखिए मरीज को कितने कम समय में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। ऋषि चौहान है और मैं बरेली से ही हूँ। पिछले करीब एक डेढ़ साल से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, स्टफनेस रहती थी हाथों में, वीकनेस बहुत रहती थी, तो मैंने शुरू में स्वेलिंग वगैरह भी आ गई थी, तो दवाई भी ली, काफ़ी दवाई ली, एक डेढ़ साल से रेगुलर दवाई ले भी रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मालूम पड़ा। एक वीडियो देखी डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी की, तो उस वीडियो के थ्रू यहाँ आए थे और दवाई ली, और करीब 2 महीने हुए हैं दवाई लेते लेते। 70-75% के समथिंग मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं ठीक ना भी हो पाऊँ, क्योंकि सिम्टम्स मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो एक डीमोटिवेशन भी बहुत आ रहा था, मतलब मन में जो थॉट्स आ रहे थे वो बहुत निगेटिव आ रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीने और दवाई ली तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो ये है, आप भी आइए एक बार, चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, डॉक्टर साहब से मिलिएगा, बेहतर आपके लिए एक उपचार मिलेगा। तो भाई देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद, इस मरीज की मुस्कुराहट को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ढंग से डायग्नोसिस हो जाए तो होम्योपैथी से कम समय में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मुमकिन है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर आप सॉल्यूशन पे बात करेंगे ना, तो होम्योपैथी में 2 तरफा इलाज आप कर सकते हैं। पहला हो गया टॉपिकल एप्लीकेशन और दूसरा हो गया इंटरनल मेडिकेशन। इंटरनल मेडिकेशन के तो क्या ही कहने हैं, हमेशा बढ़िया रिजल्ट्स देता है, पर लेकिन कभी कभी मरीज को टॉपिकल एप्लीकेशन में भी टेम्पररी रिलीफ के लिए कुछ दवाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में SBL का जो ऑर्थोमूव प्रोडक्ट है वो जेल बेस में भी है, स्प्रे बेस में भी है, ये दवाइयाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं ऊपर से लगाने में। आप जेल को लगा सकते हैं, आप स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ SBL कंपनी ही नहीं, बाकी कंपनी भी अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन मैंने पर्सनली ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, और मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मरीज में इसको यूज़ करना पसंद करता हूँ, जब मरीज को तकलीफ ज़्यादा हो और दर्द असहनीय हो। अब आ जाओ इंटरनल मेडिकेशन की दवाइयों के बारे में। भाई कौन सी दवाइयाँ आपके फ़ायदेमंद हो सकती हैं, हम कारणों के हिसाब से दवाई के सिलेक्शन के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं और डोसेज साथ में बताएंगे। क्या कारण हो सकते हैं भाई? नंबर 1 हो गया इंजरी, चोट लग गई, चोट लगने के बाद अगर पॉलीआर्थ्रेल्जिया हो रहा है, टॉप माय मोस्ट मेडिसिन इज आर्निका मोंटाना, कुछ नहीं करना है। दर्द ज़्यादा हो, हाल फिलहाल में चोट लगी हो, मल्टीपल जॉइंट्स में स्वेलिंग हो, आप आर्निका मोंटाना 200 से लेकर 1000 पावर तक की, 1 mm तक पावर तक की इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 mm में यूज़ करनी हो तो आप उसे आधे आधे घंटे पे 4-5 डोज लेके बंद कर सकते हैं, आगे रिपीट मत करिए बिना डॉक्टरी परामर्श के। पर अगर डॉक्टरी परामर्श के बिना इस्तेमाल करना चाहते हैं, आर्निका मोंटाना 200 दिन में 3 बार तक रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर। अगर आप 4-5 दिन रेगुलर यूज़ करेंगे, आपको पेन्स में इंप्रूवमेंट 100% आ जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं बोलना पड़ेगा कि होम्योपैथी काम नहीं करती। दूसरी दवा, दूसरा कारण कौन सा हो गया भाई यहाँ पे? ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि भाई हमारे शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से मल्टीपल जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग है। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल दवा है कैल्केरिया फॉस। अब ये कैल्केरिया फॉस 6x पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मरीज को स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही दर्द हो रहा है, तो कैल्केरिया फॉस 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और कम से कम 15 दिन यूज़ कर रहे हैं, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट आने लग जाएंगे, कोई और दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आप जानते हैं कि भाई उम्र बढ़ रही है और कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशेंसी होनी ही होनी है, तो प्रिकॉशनरली मैं क्यों ना कोई दवाई खा लूँ जिससे मुझे दर्द बार बार ना हो, तो भाई ऐसे में कैल्केरिया फॉस 6x, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार, बहुत ज़रूरत पड़ने पर दिन में 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर सुबह शाम यूज़ करें तो कम से कम 90 डेज तक यूज़ करिए,
आपको बड़े बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आ जाओ भाई तीसरे कारण के ऊपर कि कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के बाद पॉलीआर्थ्रेल्जिया हो रहा है। सपोज हम मान के चलते हैं कोई फीवर आ गया, तो फीवर आने के बाद अगर मल्टीपल जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लेमेशन है, यूपेटोरियम पर्फ से बेटर कोई और दवा नहीं है पॉलीआर्थ्रेल्जिया की। आप यूपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, ज्यादा तकलीफ है सहनीय दर्द है 200 पावर में इस्तेमाल करें, 200 पोटेंसी में यूज करना है, दो बूंद दवा दो चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। 3-4 दिन यूज करिए, उतने में पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ जाता है। उसके बाद एज पर पेशेंट कंडीशन दवा चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पर अगर सेल्फ मेडिकेशन में बिना दिखाए यूज करना है 30 पोटेंसी यूज करिए, आंख बंद करके यूज करिए, दिन में 5 बार तक यूज कर सकते हैं। पर वही तरीका है, दो बूंद दवा दो चम्मच पानी में डालकर दिन में 5 बार। आप 1 हफ्ते से तक अगर इस दवाई को रेगुलर लेते हैं 100% किसी इन्फेक्शन के बाद, खासकर चिकनगुनिया डेंगू या टाइफॉइड के बाद होने वाले मल्टीपल जॉइंट्स पेन में, तो आपको बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट इस दवा से देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाओ भाई चौथे कारण के ऊपर। चौथा कारण क्या हो गया, ओवर यूज। कि भाई अगर कोई ऐसा मरीज है जो ऐसे किसी प्रोफेशन में है जिसमें उसे शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उसके बाद दर्द स्टिफनेस बढ़ जाती है, उठने का मन नहीं करता, पड़े रहने की इच्छा करती है, शरीर टूटता रहता है, ब्रायनिया एल्बा से बेटर कोई और दवा नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को हमेशा सुबह उठने के बाद ब्रायनिया 200 जरूर खानी चाहिए और रात को सोने से पहले एक डोज ब्रायनिया 200 की जरूर यूज करनी चाहिए। पर याद रखिए कि ये तभी करें जब शरीर की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, और आप अगर इसे 7 दिन तक रेगुलर इसी तरह से यूज करेंगे तो आपको दर्द में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर सपोज आपको लगता है काम ही ऐसा है जिसमें ऐसा होता ही है, तो भैया ब्रायनिया 30 एक बार सुबह एक बार शाम, तरीका वही, दो बूंद दवा दो चम्मच पानी में डालकर। आप अगर 60 से 90 दिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक शारीरिक आपको वर्क बहुत ज़्यादा करना है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका पॉलीआर्थ्रेल्जिया काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं आखिरी कारण के ऊपर, जो कि है फाइब्रोमायल्जिया। अभी जो फाइब्रोमायल्जिया, जैसे मैंने बताया, साइकोसोमेटिकली हमें लगता है कि भाई मरीज कह रहा है उसे दर्द हो रहा है, शिफ्टिंग पेन्स हो रहे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, मरीज सेंसिटिव है बहुत ही ज़्यादा मानसिक तौर पर जो है नाजुक है, हो सकता है उसकी वजह से फाइब्रोमायल्जिया हो रहा हो। तो अगर ऐसा है और क्लियरली डायग्नोज्ड है तो पल्सेटिला से बेटर कोई दवा नहीं है। तकलीफ ज़्यादा हो तो एज पर पेशेंट की सेंसिटिविटी आप पल्सेटिला 200 यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी राय मानिए पल्सेटिला 30 अपने आप में एक बहुत बढ़िया दवाई है, सेफर डोसेज है। आप दो बूंद दवा दो चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 से 5 बार भी इस्तेमाल करेंगे ना 7 दिन तक, आपके पेशेंट को फाइब्रोमायल्जिया में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, समझ में आया होगा कि होम्योपैथी से किस तरह से पॉलीआर्थ्रेल्जिया के मरीजों में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं और ये मुमकिन है, इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, पहली बार चैनल पर आए थे ना, सब्सक्राइब जरूर करें, रेगुलर वीडियोस देखते हैं भाई, देखो थम्स अप जरूर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर मुझसे इलाज की आवश्यकता हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर बात करके मेरे स्टाफ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, समय देंगे आपको, अच्छे से आपसे बात करेंगे ताकि होम्योपैथी से आपकी पूरी सहायता कर सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।